अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट को समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि रेडिकल क्या होता है। रेडिकल हमने देखा होगा कि मोस्टली नंबर्स के ऊपर ये साइन लगा होता है। लेट्स सपोज एक्स एक नंबर है, कोई भी वेरिएबल है या कोई नंबर है, इसके ऊपर अगर ये साइन लगा होगा तो ये रेडिकल का साइन है। इसको रेडिकल भी बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। रेडिकल का साइन जो है, इसकी पावर जो होती है, लेट्स सपोज अगर एक्स का रेडिकल साइन है तो ये पावर रैशनल 1/2 के इक्वल होता है। स्क्वायर रूट का साइन ये एक्स की पावर, अगर एक्स का स्क्वायर रूट है तो ये एक्स की पावर 1/2 के इक्वल होगा। अब हम देख लें स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का वो फैक्टर होता है जिसको हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जिसके नतीजे में हमें वो नंबर हासिल होता है। तो स्क्वायर रूट की डेफिनेशन है जी, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ फैक्टर that we can multiply by itself to get that number। अब ये that number कौन सा है? ये that number हमें इस number के बारे में बता रहा है कि ये जो that number है वो ये वाला number है जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल है जी मेरे पास 16 एक नंबर है। मैं कहता हूं जी इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पहले मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड करना पड़ेगा कि जिसको उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 16 बन जाए। तो देखने पर मुझे पता चलता है जी 4 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 16 बन जाता है। अब यहाँ पे 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1 दोनों अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल 4 की पावर 2 बन गए और यहाँ पे 16 बन गया। अब इस पावर को खत्म करने के लिए अब अगर मैं स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लेता हूं 16 स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लिया। मैंने आपको बताया कि 16 की पावर ये स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के, 1/2 पावर के। इस स्क्वायर रूट को हम 1/2 के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये 2 इसके साथ कट गया, 16 का स्क्वायर रूट इक्वल हमारे पास किसके आ गया? 4 के। तो इसका मतलब इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि जो 16 का स्क्वायर रूट है वो 4 के इक्वल है। और अगर 4 को किस, क्यों 4 के इक्वल है? क्योंकि जब 4 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 16 ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। इसके बाद देखते हैं जी क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट किसी भी नंबर का वो फैक्टर होता है जिसको अगर हम 3 टाइम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाए। तो क्यूब रूट की डेफिनेशन है जी, द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर इज अ फैक्टर that we can multiply
बाय इटसेल्फ थ्री टाइम्स टू गेट दैट नंबर। इसकी एग्जांपल है मेरे पास, इसकी एग्जांपल है मेरे पास 27 एक नंबर है, मैं कहता हूं कि इसका क्यूब रूट फाइंड करें। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि वो कौन सा नंबर मैं देखूं जिसको तीन दफा मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 27 बन जाए। तो मुझे सोचने पे ये मुझे पता चलता है कि 3 एक नंबर एक ऐसा है जिसको अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 27 के इक्वल आता है ये। अब 27 और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3 की पावर 3 बन जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये तीनों की बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है। तो ये पावर्स तीनों ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, तो ये 3 की पावर 3 बन जाएगा। अब जो क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट एक्स, इसका क्यूब रूट है यहां पे 3, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको 1/3 भी कर सकते हैं। क्यूब रूट जो होता है इक्वल टू 1/3 के होता है, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं जी 27 का क्यूब रूट लूं, दोनों साइड पे मुझे क्यूब रूट लेना पड़ेगा 1/3, ये 3 से कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा जी, 27 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हमें पता चलता है कि 27 का क्यूब रूट जो है वो 3 के इक्वल है, कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 27 आता है। यहां पे स्क्वायर रूट में और क्यूब रूट में इसके साइन में डिफरेंस ये है कि स्क्वायर रूट या ये यहां पे 2 लिखें या ना लिखें इसका मतलब सेम ही है, ये एक्स की पावर स्क्वायर के रेडिकल साइन के बाहर लिखनी पड़ती है। अगर लिख दे तो भी ठीक है, ना लिखे तो भी ठीक है, इसका मतलब समझ में आता है। बट एक्स की क्यूब रूट जो है वो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स की क्यूब रूट एक्स के रेडिकल साइन के बराबर नहीं है। ये क्यूब रूट का क्यूब जो है वो पावर का वो लिखना जरूरी है जी। तो मेरी कॉम के नौजवानों, आज हमने देखा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होता है और इनकी हमने एग्जांपल्स देखी। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए YouTube पर और Google पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।